ईश्वराय। ओम नमो अरहते भगवान महावीराय। ओम नमो अरहते भगवान महावीराय। दीपावली की अर्धनिशा में, अर्धरात्रि में प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे आज की ही बात है। गौतम भगवान को आज कैवल्य हुआ। गौतम स्वामी एक ऐसे महापुरुष जो अहंकार से भरकर प्रभु के चरणों में आए थे, अपने ज्ञान के अहंकार में, और इतनी विनय को उपलब्ध हो गए, इतनी विनय को उपलब्ध हो गए कि चार ज्ञान के धारी होने के बाद भी कभी अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। एक बार ही किया, सिर्फ एक बार। परमात्मा ने देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए अपने निर्वाण कल्याण की पावन वेला में गौतम को भेज दिया। गौतम देव शर्मा को प्रतिबोध देकर आ गए। रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे रुके हुए हैं। अवधि ज्ञान के बल पर परमात्मा के समुशरण को देख रहे हैं। दूर होने के लिए भी, एक पल के लिए भी प्रभु का चिंतन और प्रभु की दूरी उनको बर्दाश्त नहीं थी। अवधि ज्ञान में देख रहे हैं गौतम के 12 परिषद एकांत मौन के साथ श्रवण चल रहा है प्रभु का। सारे अपने पापों से मुक्त हो रहे हैं। मन परिज्ञान के बल से परमात्मा प्रभु महावीर के मन को देख रहे हैं गौतम, और देखते देखते क्या देखते हैं, मध्य रात्रि में प्रभु के शरीर की स्थूल तरंगे स्पंदन सारे ठहर गए हैं, स्तब्ध हो गए, रोक दिया है प्रभु ने। उसके बाद देखते हैं प्रभु की स्थूल भाषा, वो भी स्तब्ध हो गई है। प्रभु का मन निरुद्ध हो गया है। फिर क्या देखते हैं, प्रभु की सूक्ष्म भाषा की तरंगे भी स्तब्ध हो गई है। प्रभु का सूक्ष्म मन, सूक्ष्म काया, सब कुछ स्तब्ध हो गया है, और एकदम प्रभु के कपूर में, कांति में काया चारों ओर फैल गई है, और सारे आत्म प्रदेश सिद्ध शिला में, मोक्ष में जाकर स्थित हो गए हैं। प्रभु का निर्वाण हो गया है। एकदम गौतम देख रहे हैं, उसी समय पंचम गंधर गौतम सुधर्मा स्वामी क्या देखते हैं, प्रभु की वाणी मौन हो गई, कोई वरदान नहीं आ रहा, सबकी आंखें बंद थी। एकदम जैसे ही पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने आंखें खोली और देखा, ओ प्रभु का निर्वाण हो गया। हा हंत, हा हंत, प्रभु का निर्वाण हो गया। और उसी समय सारी जनता ने जब ये क्रंदन सुना 12 परिषद ने, तो सब ने आंखें खोली, और आंखें खोलकर देख रहे हैं ना वहां स्फटिक सिंहासन है,
ना अशोक वृक्ष, ना छत्र है, ना चवर है, ना प्रभु की काया है। और आर्य सुधर्मा स्वामी बोल रहे हैं, सिद्धाणं बुद्धाणं परागयाणं, सिद्धाणं बुद्धाणं परागयाणं। परमात्मा प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। अभी थे, अभी नहीं, अभी आंखें बंद थी सभी की, और अभी प्रभु प्रभु की कांति, कपूर में वो काया, उसके शुभ पुतगल चारों दिशाओं में फैल गए, चारों दिशाओं। उसी समय सुधर्मा स्वामी ने देखा गौतम भी नहीं है, गौतम गंधर्व क्या कहां गए? क्या गौतम भी प्रभु के साथ चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गौतम प्रभु के साथ नहीं जा सकते। कहां गए गौतम? गौतम को ढूंढ रहे हैं। उसी समय आर्य सुधर्मा स्वामी ने सुधर्मा स्वामी ने देवराज शक्रेंद्र की तरफ देखा, इशारा किया, जाओ गौतम को देख कर लाओ। शक्रेंद्र ने अवधि ज्ञान से देखा पीपल का पेड़, चल पड़े इंद्र शक्रेंद्र गौतम को लिवाने। और जब गौतम ने देखा प्रभु का निर्वाण हो गया, दहल गए गौतम अंदर से, चीख उठे, रो उठे, प्रभु ये क्या किया आपने, मुझे इतना दूर भेजकर, और आप निर्वाण को उपलब्ध हो गए। प्रभु आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है, कैसे रह पाऊंगा मैं? और प्रभु मैंने तो जो पाया, अब मेरे जैसे कितने गौतम लाइन में खड़े हैं। प्रभु सबका उद्धार करना था, कहाँ चले गए मेरे प्रभु? ना कहीं अशोक वृक्ष नजर आ रहा है, ना स्फटिक सिंहासन, और ये 12 प्रकार के जनता जो पापों से मुक्त हुई, इनका कल्याण अब कौन करेगा? प्रभु कहाँ चले गए? आप तो कहते थे कि 21,000 वर्ष तक तीर्थंकर नाम कर्म का ये शरीर रहने वाला है, लेकिन आपकी देह कहाँ चली गई? वही देह चाहिए, वही काया चाहिए, वही कांति में शरीर के दर्शन चाहिए। प्रभु आप कहाँ चले गए? रो रहे हैं, कांप उठे, दहल उठे, पूरा वातावरण ऐसा हो गया जैसे सब कुछ निराधार हो गया। इमेजिन करके देखो कि 12 प्रकार की परिषद बैठी हो, प्रभु को सुन रहे हो, देख रहे हो, और अचानक अकस्मात ये घटना घट जाए, कैसे कौन अपने आप को संभाल सकता है? सिर्फ एक केवल ज्ञानी ही स्वयं को संभाल सकता है। वो भावनाओं से दूर होता है, भावनाओं को समझता है, लेकिन वो भावनाएं भावनाओं में विहल नहीं होता। गौतम चित्कार कर रहे, विलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, प्रभु ठीक है 21,000 तक तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य रहेगा, लेकिन प्रभु आपकी काया से जिसे देखकर लोगों के सारे पाप धुल जाते थे, उस काया को कैसे देखेंगे? आंसू बहते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। प्रभु आपने अंतिम समय मुझे दूर कर दिया, जन्मों जन्मों का साथ था, जन्मों जन्मों तक अपने साथ रखते आए थे, आज प्रभु आपने इतना दूर क्यों कर दिया? मुझसे क्या खता हो गई थी, क्या गलती हो गई? इंद्र सब कुछ देख रहे हैं, पहुंच गए सामने, क्रंदन देख रहे हैं।
इंद्र ने हाथ जोड़कर वंदना की, नमः स्वामी इंद्र भूई। देखो ओ महावीर के अंतेवासी, महावीर के कन्हर, ओ महावीर के लाडले बेटे, देख तो सही महावीर क्या बोल कर गए हैं, क्या कहा था। महावीर के सत्य वचन को सत्य करो शुक्रेंद्र, महावीर के वचन तो सत्य ही है, सत्य ही रहेंगे। तुम्हें याद नहीं इंदुभूई, याद करो भगवान महावीर का वो सत्य संदेश, जब प्रभु ने कहा था इंद्रपुति मेरे निर्वाण के समय तुम्हें केवल ज्ञान होगा। भूल गए? कुछ भी नहीं भूला शक्रेंद्र, लेकिन प्रभु की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। प्रभु के बिना कैसे जीऊं, कुछ भी नहीं चाहिए, कौन समाधान करेगा, किसको प्रभु से कैसे अपने कैसे समाधान होंगे। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों, किसे कहूं मैं बात, गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों, किसे कहूं मैं बात, गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है। किसे कहूं मैं मन की बतिया, किसे सुनाऊं पीर, गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ। साथ निभाया कैसा भगवन, देखो आपने छोड़े अकेला चली मुझसे मुखड़ा मोड़ के, कौन तो मेरी भूल बताए, कौन करेगा माफ, गौतम पूछ रहा है कि गौतम पूछ रहा है। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों, किसे कहूँ मैं बात, गौतम अंत समय वचन को सत्य करो,
वो समय आ गया है, तुम्हारे कैवल्य का समय। अपने भीतर देखो, परमात्मा प्रभु महावीर के कारमन शरीर के शुभ पुद्गल यही फैले हैं। गौतम एक पल के लिए स्तब्ध हो गए, अपने भीतर आने लगे, अपने अंदर आए। महावीर जीवंत हो गए। प्रभु ने कहा था, गौतम मेरे निर्वाण में तू प्रभु हो जाएगा, तू भगवान हो जाएगा, तू कैवल्य को उपलब्ध हो जाएगा। दो घड़ी का विरलाप, दो घड़ी का क्रंदन नर्तन में बदलने लगा, अंतर में नृत्य होने लगा। भगवान महावीर के स्पंदन अपनी आत्मा में महसूस होने लगे गौतम, और गौतम भीतर में इतना गए कि जो हल्का सा बंधन बचा हुआ था वो टूट गया और गौतम को कैवल्य हो गया। रुदन के बाद प्रकाश आ गया, अंधेरे के बाद अब गौतम चांद बन गए, सूर्य बन गए, निर्धूम अग्नि बन गए। उसी समय दुंदुभियां बजने लगी। शक्रेंद्र ने छत्र धारण कर लिया, छत्र धारण करके और केवली गौतम को लेकर आ रहे हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी ने देखा, एकदम दौड़ पड़े। अभी तक जो सब्र का बांध था, गौतम को वंदन करते ही सारा बांध टूट गया। यो रोए पंचम गंडर सुधर्मा स्वामी, नाथ चले गए। अब आप ही संभालो, आप ही हमारे भगवान परमात्मा के पाठ को ग्रहण करो। शक्रेंद्र कहने लगे, आर्य सुधर्मा स्वामी, गौतम तो प्रभु बनकर आए, कैवल्य को उपलब्ध हो गए, कोई केवली तीर्थंकर के पाठ पर विराजमान नहीं होता, क्योंकि केवली की जो अनुभूति है, केवली वो सब दिखता है। वो ये नहीं कह सकते कि मैंने प्रभु से ये सुना। तो उस समय गौतम ने पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी को कहा कि इस पाठ को आपने ही सुशोभित करना है, और आज के दिन ही पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी परमात्मा प्रभु महावीर के उत्तराधिकारी बने, आचार्य पद पर परमात्मा के पाठ पर सुशोभित हुए। आज 3 दिन उत्सव है। इन 3 उत्सवों में भी पता नहीं अंतर हृदय को बहुत पीड़ा सी है, ऐसा लग रहा है। रात्रि में भी यही अनुभूति चल रही थी कि प्रभु यहीं पर है। अर्धरात्रि का वो समय, परमात्मा का निर्वाण, उस निर्वाण में आज भी हर दिवाली पर यही अनुभूति होती है कि प्रभु, जब ये आगम चल रहा था 15 दिन से, तो ऐसी अनुभूति थी जैसे प्रभु का समोशरण है, प्रभु हमारे समक्ष है। और आज प्रभु निर्वाण को, प्रभु ने तो अपना कार्य सिद्ध कर लिया, लेकिन आज भी हमारे पास आलंबन है। कैसे रही होगी वो परिषद तीर्थंकर के बिना, कैसे जिए होंगे, कैसे रहे होंगे वो गंधर। उस पीड़ा की अनुभूति मुझे हो रही थी और बार बार चिंतन चल रहा था। जब सत्य में प्रभु के समोशरण लगते थे, कहाँ थी ये आत्मा, कहाँ थे, कहाँ कुछ क्यों नहीं मिला। आज जैसी अनुभूति उस समय भी हो जाती तो शायद तीर्थंकर परमात्मा के उस समोशरण में जाकर कल्याण हो जाता। तो आज की ये पावन वेला, परमात्मा का निर्वाण हुआ, गौतम प्रभु को कैवल्य हुआ, और उस कैवल्य की धारा में
की स्थापना हुई, यानी पहले आचार्य इस युग को, इस पंचम युग को, पंचम काल को पहले आचार्य मिले, परमात्मा के पाठ पर शोभायमान हुए आर्य सुधर्मा स्वामी। गौतम प्रभु के जय बुलाओ, भगवान महावीर के जय बुलाओ और आर्य सुधर्मा स्वामी के गुण कीर्तन करो। आज से एक प्रतिज्ञा करना, ओम नमो भगवो गोइमस सिद्धस बुद्धस अखीण महाणस। ओम नमो भगवो गोइमस सिद्धस बुद्धस अखीण महाणस। ओम नमो भगवो गोइमस सिद्धस बुद्धस अखीण महाणस। जब भी आपके यहाँ कोई मांगलिक प्रसंग हो, गौतम स्वामी का ध्यान कर लेना, गौतम स्वामी का नाम ले लेना। आने वाली अगली दीपावली तक गौतम भगवान की और भगवान महावीर की एक एक माला आंखें बंद करके अपने आप को समुशरण में बैठा कर ध्यान के साथ पूरे वर्ष तक श्री गौतम आय नमः या अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, श्री महावीराय नमः या फिर नमो तुणंग समणस भगवो महावीरस, ये एक एक माला आप सभी को करनी है। तो इस निर्वाण कल्याण की ये पावन वेला आप सभी के भीतर में भी आत्म का, और मेरे सबसे पहले तो मेरे भीतर में भी आत्म का जागरण हो, अनुभूति हो, आत्मा की, आत्मा के स्पंदनों की, आत्मा के ज्ञान की, आत्मा के दर्शन की, आत्मा के चरित्र की और आत्मा की वीर्य शक्ति की अनुभूति। इसी अनुभूति में पुरुषार्थ बढ़े तभी ये निर्वाण कल्याण की वेला सार्थक हो सकती है, तभी ये आराधना और साधना, इस आराधना और साधना का पुरुषार्थ यही हो कि हम भी आत्मज्ञानी बने। उस आत्मज्ञानी का, परमात्मा का चिंतन करते हुए तो सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे, परमात्मा का वियोग तो हर पल महसूस हो ही रहा है। महावीर का हुआ निर्वाण है, दुनिया से पधारे भगवान है, माता त्रिशला के प्यारे लाडले उनको लाखों मेरा प्रणाम है। महावीर का हुआ निर्वाण है, दुनिया से पधारे भगवान है, माता त्रिशला के प्यारे लाडले उनको लाखों मेरा प्रणाम है। पावापुरी में चर में चौमासा जिनवर जी ने आने किया, सकल विश्व के रखवारे प्रभु सबको निर्मल ज्ञान दिया, कांतिवान जगत के बान है, सत्य अहिंसा के रख ली शान है, माता त्रिशला के प्यारे
लगदी धारी केवल ज्ञानी गौतम स्वामी भगवान।